हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज फिर स्टार्ट करते हैं उस सीरीज की अगली वीडियो। पिछली में हम 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज फिर देखिएगा टेक्निकल तरीके से, टेक्निकल जवाब बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, ये 11 क्वेश्चन है आज का, ये पहला क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर 0.0073 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। देखिए टेक्निक देखिएगा, इसमें पॉइंट के बाद दो अंक है, यहां पॉइंट का कितना अंक है, तीन। सब में यही देखिएगा, यहां दो है तो यहां तीन, यहां तीन है तो यहां चार, एक अंक नीचे जा रहा है पॉइंट के बाद। तो यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, पहले तो आप करके देखिए, ये लिखा हुआ है ऊपर, ये लिखा है और ये नीचे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूं इसकी तरह। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.05 अपॉन 10, एक 10 का भाग करूंगा तो एक जीरो आया है, यहां पर बिल्कुल यही बन जाएगा। इसमें भी यही होगा, 0.41 अपॉन 10, इसको भी 0.73 अपॉन 10, आप 10 से डिवाइड करिए यही आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जब इसका स्क्वायर होगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा और इस 10 के ऊपर भी स्क्वायर होगा, सब में यही होगा। और 10 का स्क्वायर क्या जाएगा, 100 क्या जाएगा, एलसीएम। और जब 100 एलसीएम आ जाएगा तो ये ऊपर अंश और हर एक से जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक समान हो जाएंगे, उससे वो कट जाएगा और कितना आंसर आएगा, 100। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, 0.05 का स्क्वायर अपॉन 0.05 का स्क्वायर अपॉन 100, इस पर स्क्वायर खोल दिया, फिर 0.41 का स्क्वायर और नीचे लिखा 0.41 का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन, यहां पर एक जीरो मैंने कम लिख दिया है, दो के दो थे, और प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन 100। 100 ये एलसीएम ऊपर जाएगा, फिर ये एक से दिखाई देंगे आपको, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा, 100। तो आपको पेपर में इतना लिखना नहीं है, आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद अंक कहां पर जा रहा है, नीचे ज्यादा थे, कितने ज्यादा थे, एक पॉइंट के बाद, लेकिन उसका स्क्वायर है, यदि स्क्वायर है तो एक पॉइंट के बाद थे तो 1/10 हो गया, उसका स्क्वायर कितना आएगा, 1/100। यदि यहां पर क्यू होता, यदि हम ये हो गया अपना क्वेश्चन, यदि यहां पर क्यू होता इसका आंसर ये आ गया सी, लेकिन यदि यहां पर क्यू होता, हमने ये कर दिया क्वेश्चन को चेंज करा, वो क्वेश्चन तो हो चुका, ये क्यू होता, क्यू, और क्यू जब होता तो नीचे कितना आता, ये सब क्यू होता, या था 1000, तब आंसर क्या आता, 1000, तब आंसर आता 1000। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पॉइंट के बाद डायरेक्ट करने का तरीका, एक सेकंड का सोचने का तरीका क्या है, हम ऊपर और नीचे में देखेंगे किसमें पॉइंट के बाद अंक ज्यादा है, और जहां अंक ज्यादा होंगे, जितने अंक ज्यादा होंगे ऊपर वाले से, जितने अंक ज्यादा होंगे या नीचे वाले से ऊपर जितने अधिक होंगे, जिसमें अधिक होंगे, हर में अधिक है तो अंश में गुणा करेंगे, अंश में अधिक है तो हर में गुणा करेंगे, बस एक को देख लेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक फालतू हैं, एक अंक फालतू है तो 10 को ले लेंगे, 10 का स्क्वायर 100, यदि क्यूब है ऊपर तो 1000, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो हमें इसमें बस ये देखना है, डायरेक्ट टेक्निक देखिए आप इसकी, डायरेक्ट टेक्निक ये है कि हमने क्वेश्चन को देखा, नीचे देखा पॉइंट के बाद यहां 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, नीचे जा रहा है तो ऊपर 10 लिख लीजिए, और क्वेश्चन में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, सो आंसर डायरेक्ट। यदि
क्वेश्चन को फिर हम चेंज कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन पर फिर बात करेंगे डायरेक्ट करने के लिए आपने क्या। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से होता, ये चेंज कर दिया, यहां पर यहां जीरो होता, ये क्यू हटा दिया, स्क्वायर कर दिया, फिर देखिएगा इसी में समझाता है, हम ध्यान से देखते रहिएगा। ये होता क्वेश्चन और ये हो गया, यहां से पॉइंट हटा दिए, यहां से एक जीरो यहां बढ़ा दिया, यहां पर एक ही जीरो कर दिए। अब देखिए, अब ऊपर वाले अंक ज्यादा है, ऊपर कितने आ रहा है, एक अंक ज्यादा है, तो बटे में दस लिखेंगे, ऊपर ज्यादा है तो नीचे लिखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, यदि क्यूब लगा होगा तो क्यूब लगा देंगे, तब आंसर आएगा एक बटे सौ। तो डायरेक्ट आंसर क्या हुआ, डायरेक्ट नीचे अंक ज्यादा है, जितने अंक ज्यादा है उतना ऊपर लिख दिए, एक अंक ज्यादा है तो दस लिखिए, दो अंक ज्यादा है तो सौ लिखिए, और यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए और क्यूब है तो क्यूब लगाइए। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर देखिए हमारे ध्यान से, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% बढ़ा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बढ़ जाता है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% बढ़ा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बढ़ जाता है। मतलब समझिए, पहले वर्ग था और वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई या भुजा का वर्ग। अब परसेंट के क्वेश्चन करने के लिए सुपर टेक्निक देखिएगा, जैसी भी आकृति हो, जो चीज आप निकाल रहे हो सबको एक 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 मानिए, सारी विमाओं को एक एक एक, तो वर्ग की भुजा को मान लिया एक, तो क्षेत्रफल क्या होगा, एक गुणा एक एक डायरेक्ट। अब लंबाई कितनी बढ़ रही है, 30% परसेंट का निशान हटाइए, 100 का भाग करिए, कितना आ गया 0.3 बढ़ रही है, जोड़ दीजिए इसमें। चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ रही है, 20% परसेंट का निशान हटाइए, 100 का भाग करिए, 0.2 बढ़ रही है, जोड़ दीजिए, एक में जोड़ा 0.2 बन पड़ गुणा करिए 13 2 6 2 हासिल, 13 कम 13 और 2 15, एक के बाद 10 2 2 कर लगा दिए, क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 0.56 ये बढ़ा, कितने पे बढ़ा, एक पर, एक पर। तो अब हमें परसेंट निकालना है, जो कितने पे निकालेंगे, 100 पर, तो 0.56 में 100 का गुणा कर दीजिए, 56%, कितने परसेंट बढ़ेगा, 56%, डी आंसर। सुपर टेक्निक परसेंट से करने की, सबसे पहले क्या करते हैं, जिसकी भी आकृति का, किसी भी आकृति का जो चीज निकालनी है सबकी विमाओं को एक एक मान लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई या भुजा का स्क्वायर एक गुणा एक एक आ गया। अब बढ़ रहा है, भुजा बढ़ रही है तो बढ़ाइए, घट रही होगी तो मैं इसमें से घटाता हूं, बिल्कुल बात क्लियर है। और ये अब इससे क्षेत्रफल बढ़ रहा है, घटा के देखा बढ़ रहा है, घटाया भी जाए, अब परसेंट में आंसर देना है तो 100 का गुणा। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्टीन क्वेश्चन क्या आता है, फोर्टीन आता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 1/5 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ क्या अनुपात होगा। देखिए इसको सोचने की टेक्निक, आप देखिए जब जुड़ रहा है तो एक दिखाई दे रहा है और जब घट रहा है तो 5 दिखाई दे रहा है। आप सोचने वाली बात है, जुड़ रहा है तो कम आ रहा है और घट रहा है तो ज्यादा आ रहा है, तो डायरेक्ट सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, यदि ए का मान 3 रख ले और बी का मान -2, माइनस लिखना पड़ेगा, क्यों, जोड़ने पे कम दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट करने का तरीका, 3 में -2 जोड़ा
तो एक दिखाई दे रहा है आपको, और तीन में से माइनस दो घटाऊंगा, घटाऊंगा तो चिन्ह बदलेगा, माइनस और प्लस पांच दिखाई दे रहा है डायरेक्ट। बाकी आप जो चाहो वो मानो, लेकिन सेट ऐसा हो, यह बात निश्चित है कि एक को प्लस मानेंगे तो दूसरे को माइनस, क्योंकि जुड़ने पे घटा है। अब हमने क्या करा, ये वैल्यू यहां पर लगा दी, तीन का वर्ग नौ माइनस माइनस दो का वर्ग चार बटे तीन का वर्ग नौ प्लस माइनस दो का वर्ग चार, और नौ में से चार के पांच बटे तेरह, क्या आंसर आया डायरेक्ट पांच बटे तेरह। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, फिफ्टींथ फिफ्टींथ क्वेश्चन आता है, फिफ्टींथ क्वेश्चन कहते हैं एक मालगाड़ी एक स्टेशन को एक समान गति से पार करती है, ठीक है, छह घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी, छह घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है, पहले मालगाड़ी चल रही थी, छह घंटे बाद चली एक्सप्रेस, इसका मतलब मालगाड़ी छह घंटे तो चल चुकी है। उसी स्टेशन से मालगाड़ी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है एक्सप्रेस, समान गति से चलकर मालगाड़ी को चार घंटे में पकड़ लेती है, मतलब एक्सप्रेस गाड़ी ने कितनी देर में पकड़ा, चार घंटे में, इसका मतलब मालगाड़ी कितने घंटे चल गई, छह घंटे बाद तो चली थी, छह घंटे तो वो चली और चार घंटे ये चली, कितने घंटे चली, दस घंटे मालगाड़ी दस घंटे चली, और पकड़ेगी तब जबकि दोनों के द्वारा चली गई दूरी कैसी हो, बराबर हो। मान लो आपके घर से आप चले दिल्ली की ओर और छह घंटे बाद आपका भाई चला दूसरी गाड़ी से और दिल्ली पहुंचने से पहले वो आपको पकड़ लेता है, इसका मतलब बात तो ये समझिए जहां भी मिलेंगे आप, जहां से भी चले और जहां मिलेंगे दोनों ने दूरी समान चली है तभी तो मिलेंगे, ये तो मिल नहीं पाएंगे। मान लो बुलंदशहर से पे आगे नहीं चलता, आपके घर से बुलंदशहर पे आगे मिल रहा है तो आपका भाई तो बुलंदशहर पे आगे मिल रहा है, तो इसका मतलब दोनों ने दूरी कैसे चली, समान। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, इसका मतलब मालगाड़ी में इतनी दूरी चल रही है और एक्सप्रेस गाड़ी में इतनी दूरी चल रही है, लेकिन मालगाड़ी कितने घंटे चली है, दस घंटे, क्योंकि छह घंटे पहले चली थी तो मालगाड़ी की चाल मानी थी और समय लगा दस घंटे, बराबर किसके होगा, एक्सप्रेस गाड़ी कितनी चली, छह घंटे बाद चली थी लेकिन कितने घंटे में पकड़ा, चार घंटे में, तो चार घंटे इंटू चार कितनी उसकी, नब्बे, जीरो से जीरो कट गया, वी बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंडों में सोच लेने की बात है, डायरेक्ट सोच के आप लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये लिखेंगे आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब मालगाड़ी छह घंटे पहले से चल रही है, छह घंटे बाद एक्सप्रेस चली है, तो इसका मतलब मालगाड़ी छह घंटा ज्यादा चल रही है और दूरियां क्या होंगी, बराबर। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या आता है, 16वां क्वेश्चन कहता है दो लोगों की आयु का अंतर, मानिए ए और बी है, उनकी आयु का अंतर भाई साहब कितना है, 20। कहता है अगर पांच वर्ष बाद पहले बड़े बेटे की आयु छोटे बेटे की आयु की पांच गुनी की तो उनकी वर्तमान आयु बताओ, यह बात क्लियर है कि दोनों की आयु का अंतर कितना है, 20, आयु का अंतर 20 है, तो इसमें देखिए 20 कहां पे है, अरे देखिए ऑप्शन देखिएगा, नीचे ए और बी है, ऊपर सी और डी है, कोई बात नहीं देखिएगा ध्यान से, ऊपर देखिए 20 का अंतर है, उसमें भी 20 का अंतर है, इसमें भी 20 का अंतर है, उसमें 20 का अंतर है, कोई बात नहीं। दूसरी टेक्निक देखिए, पांच वर्ष पहले स्टार्ट करिएगा, पांच वर्ष पहले 30 वाला जो था वो कितने साल का होगा, 25 का होगा, और 10 वाला कितने साल का होगा, 5 वर्ष पहले, पहले में आयु घटती है, 10 में से 5 के 5 5 गुनी थी, देखो इसका ये 5 गुना है, फिर 5 टाइम्स है, तो दोनों कंडीशन मिल गई, आयु का अंतर 20 है और 5 वर्ष पहले 5 गुना थी, आपने दूसरे को चेक करिए जरा, डी वाले को, ये 25 है और ये 5 है, 5 और 25
पांच वर्ष पहले वो 20 होगी और वो कितनी होगी, 5 वर्ष पहले जीरो, पैदा ही नहीं हुआ। तो ये भी नहीं है। ये देखिए 5 वर्ष पहले ये 25 होगी, 24 होगी और ये 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 4। क्या इसका ये 5 गुना है? नहीं। कितने गुना है ये? 4 × 24 6 गुना है। जब ये 5 गुना कह रहा है, वहां देखिए ये 45 होगी 5 वर्ष पहले और वो कितनी होगी, 25। क्या इसका ये 5 गुना है? नहीं। तो आंसर कौन सा हो गया? सी आंसर। तो हम दोनों को संतुष्ट करा के देखेंगे, डायरेक्ट आंसर मारेंगे फटाक। इस प्रकार से देखिए, अब थोड़ी तेजी आई है वीडियो में, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, जो समझ में ना आए उसे दोबारा करिएगा और जो और भी ना समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में नंबर डाल के लिख दीजिएगा, तो आपको अगली वीडियो में फिर वो दोबारा मिल जाएगी कि और समझा के मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।